नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन और मेरे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर। महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चलता दिख रहा है, क्योंकि 2 तारीख को जब आक्रोश मार्च उपेंद्र कुशवाहा का था, उसमें उन्हें चोट लगी, पुलिस के द्वारा पिटाई का ये मामला था, उसके बाद वो अस्पताल में भर्ती हुए। 3 मार्च को कांग्रेस पार्टी की रैली थी, उस रैली में वो जा नहीं पाए। लेकिन इस बीच टेंशन का माहौल इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी दोनों पटना में थे, लेकिन किसी ने भी उपेंद्र कुशवाहा से मिलने की कोशिश नहीं की, जबकि कई दिग्गज नेता उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के लिए पटना के PMCH अस्पताल में पहुंचे थे। तो ऐसे में क्या लगता है कि आखिर महागठबंधन में चल क्या रहा है? इंद्र मोहन, ऐसा है कि महागठबंधन में चल तो रहा है तनातनी, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सब कुछ ठीक नहीं है। और जहाँ तक बात आप तेजस्वी और उपेंद्र कुशवाहा की कर रहे हैं, बिल्कुल, तो दोनों के माइंडसेट में शुरू से डिफरेंसेज रहे हैं। आप देखिए, जब बात चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा NDA छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, महागठबंधन में आएंगे कि नहीं आएंगे, और एक अनायास मुलाकात जिसे उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं, लेकिन हम सबों ने माना था कि यह मुलाकात पूर्व निर्धारित थी, जो अरवल में हुई थी सर्किट हाउस में। तो तब उपेंद्र कुशवाहा मंत्री थे ही, उन्होंने NDA नहीं छोड़ा था। उस पर जब मीडिया के लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा से सवाल पूछा था, तब उन्होंने कहा था कि तेजस्वी तो अभी ट्रेनिंग में है और लालू यादव हिस्ट्री बन चुके हैं, आगे की बात कीजिए। तो देखिए, दोनों का जो माइंडसेट है ना, उसमें बड़ा अंतर है, और दोनों को लगता है कि 2020 बिहार विधानसभा के चेहरे वे ही हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन में जो एंट्री मारी, वह डायरेक्ट तेजस्वी के मार्फत नहीं मारी, वह कांग्रेस के मार्फत मारी। तो उपेंद्र कुशवाहा हर कोई बात तेजस्वी से नहीं कहना चाहते हैं, जबकि तेजस्वी समझते हैं, लालू यादव समझते हैं, और बात वाजिब भी है, क्योंकि बिहार के महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी राजद ही है और सबसे बड़ा वोट बैंक राजद का ही है, लालू यादव का ही है, तेजस्वी यादव का नहीं है, लालू यादव का है, राजद का है। पर उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि उनकी बातें तेजस्वी से नहीं, राहुल गांधी से सीधी हो, और बात यहीं फंस रही है। तेजस्वी चाहते हैं कि जो बातें हैं आप हमसे करें, तो इस तनातनी में यह बात अटक रही है, फंस रही है। और आप देखिए ना, छगन भुजबल महाराष्ट्र से आ गए, उपेंद्र कुशवाहा ने उनका पैर छुआ, लेकिन तेजस्वी यादव पटना में रहते हुए उपेंद्र कुशवाहा का कुशल क्षेम जानने PMCH नहीं गए। बिल्कुल, क्यों नहीं गए तेजस्वी यादव इसके कारण बता सकते हैं, लेकिन जो परसेप्शन तो यही बना ना कि आप नहीं गए। वहाँ जीतन राम मांझी पहुँचे, शरद यादव पहुँचे, पप्पू यादव पहुँचे, रंजीत रंजन पहुँची, लेकिन आप नहीं गए। तो बात कहीं ना कहीं दोनों के बीच में वार्ता भंग की स्थिति है, ठीक है ना? तो इस कारण महागठबंधन में टसन, और टसन इतना ही नहीं बढ़ रहा है, टसन बढ़ने की वजह और भी कई हैं, और इसके लक्षण भी आपको दिखाई पड़े। आपने देखा, जैसे ही कांग्रेस की रैली खत्म हुई, उस दिन 3 मार्च को जनकांक्षा रैली, हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि सुपर फ्लॉप रैली है और नवसिखुओं के बूते रैली कराने की कोशिश की गई है। ठीक है कि उस ट्वीट को उन्होंने वापस लिया, बाद में कहा गया कि जीतन राम मांझी ने वापस लेने को कहा, लेकिन आप उस ट्वीट के माध्यम से यदि ट्वीट की भावना को समझें, मूल को समझें, तो आपको लगेगा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। वैसे भी रैली के दिन आपने यह बात सही है कि राहुल गांधी के साथ ही तेजस्वी यादव पटना में आए, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बहुत मतलब उत्साहित करने वाला नहीं था। और उस पर से राहुल गांधी बिहार में UP की बात कर रहे थे, लेकिन इसके साथ ही वो कह रहे थे कि हम फ्रंट फुट पर कांग्रेस खेलना जानती है। तो ये सारे जो झगड़े फंस रहे हैं ना, अब शरद यादव का झगड़ा देखिए, शरद यादव भी तेजस्वी को कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन शरद यादव की स्थिति ऐसी बन गई है कि वे चुनाव यदि उन्हें मधेपुरा से लड़ना है तो उन्हें राजद के सिंबल पर ही लड़ना पड़ेगा, यह कह दिया गया है। उनकी पार्टी की स्थिति भी चुनाव आयोग में फंसी हुई है। बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा के साथ मर्जर की बात चल रही थी, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। लालू यादव का कहना है कि जब उपेंद्र कुशवाहा से बात शुरू हुई थी तो बीच में माध्यम और केंद्र में शरद यादव थे, और जब 5 सीटें देने की बात हम कर रहे थे
पांच सीटों की ही बात शुरू से होती रही, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं शायद छह सीटों की बात है या सात सीटों की बात है, पांच सीटें बिहार में, एक सीट झारखंड, झारखंड में मैंने तो हाँ तो उपेंद्र, अब लालू यादव का कहना है कि हमने जो आपसे बात करी उसमें शरद यादव भी शामिल थे, मतलब शरद यादव की सीटें भी शामिल थी, आरएलएसपी के खाते से शरद यादव को टिकट, हाँ दोनों को, शरद यादव के यहाँ भी तीन कम से कम सीरियस उम्मीदवार हैं, खुद शरद यादव मधेपुरा से, उदय नारायण चौधरी को लड़ाना चाहते हैं जमुई से, लेकिन अब टकराहट देखिए, भूदेव चौधरी को जमुई से लड़ाना चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो आपस में ही मारा मारी है शरद यादव और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में। उधर क्या अर्जुन राय सीतामढ़ी में, अब वहाँ देखिए सीतामढ़ी में अर्जुन राय शरद यादव के कैंडिडेट हैं तो राम कुमार शर्मा इनके सिटिंग एमपी हैं रालोसपा के, तो ये रगड़ा और झगड़ा इसकी पंचायत कौन करेगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा, हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा तेजस्वी यादव को प्रमुख मानने को तैयार हैं, तो यह पंचायत किस स्तर पर होगी, अहमद पटेल करेंगे, अहमद पटेल का आना भी महत्वपूर्ण था बिल्कुल, क्योंकि उस जब अहमद पटेल आए तो कांग्रेस के सबसे बड़े रणनीतिकार हैं, अब इस झगड़े की पंचायत के लिए राहुल गांधी तो बैठेंगे नहीं, उनके पास तो फाइनल लिस्ट जाएगी बिल्कुल, तो अहमद पटेल के स्तर पर ही कोई बात हो सकती है, अहमद पटेल से तेजस्वी यादव मिले भी थे दिल्ली में, तो ये सारे झगड़े रगड़े चल रहे हैं महागठबंधन में, महागठबंधन में कुछ भी आसानी से होता नहीं दिख रहा है। तो इस क्या ये माना जाए कि जब कांग्रेस ने ये कह दिया है कि वो फ्रंट फुट पे खेलेगी, तो अगर हमने उसे मान लिया कि वो नंबर वन हुए जी, तो क्या नंबर टू की रेस में ये तनातनी है कि नंबर टू कौन महागठबंधन? देखिए नंबर वन तो यदि आप अभी 2019 का चुनाव है यदि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो नंबर वन तो नेशनल कांग्रेस ही है, लेकिन यदि बिहार में यदि महागठबंधन को ठीक से चुनाव लड़ना है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है लेकिन आधार वोट लालू यादव के पास ही सबसे बड़ा बिहार में है, जो एनडीए से लड़ सकता है, लड़ता हुआ दिखता है, आगे भी लड़ेगा, आप कांग्रेस के पास किस आधार वोट के आप बूते चुनाव में जाएंगे, तो उन्हें राजद चाहिए ही चाहिए, यदि कांग्रेस ने कोई भूल कर दी महागठबंधन से बाहर आकर लड़ने की, तो मान लीजिए इसका सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा, इसका सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा, जैसे कहले राहुल गांधी के फ्रंट फुट की बात कर, लेकिन फायदा सीधा मिलेगा एनडीए को, तो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी राजद ही है महागठबंधन में, इसमें कोई शक शुभा नहीं है। और अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के जो अभियान समिति के अध्यक्ष हैं वे कहते भी रहे हैं कि लालू यादव का आधार बहुत बड़ा है, मदन मोहन झा जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं वे भी कहते रहे हैं, और उन्हें विश्वास है, आज भी हमारी सुबह बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सब लोग साथ मिलकर ही लड़ेंगे। पर एक सवाल तो पैदा हो गया ना कि उपेंद्र कुशवाहा जिन्हें पुलिस की लाठियां लगी और सरकार से सड़क पर लड़ते दिखे उपेंद्र कुशवाहा, उन्हें देखने तेजस्वी यादव नहीं गए, क्यों नहीं गए? और तेजस्वी यादव एक वैसे वोट बैंक को लीड करने की कोशिश कर रहे हैं, और यदि उसमें उन्हें सफलता मिलती है, वह वोट बैंक ऐसा है जो सीधे नीतीश कुमार के आधार वोट से छीनने का प्रयास है, कितनी सफलता मिलेगी यह तो चुनाव का रिजल्ट बताएगा, लेकिन 10% वोट, 20% वोट, 50% वोट, जो भी वोट आता है वह उपेंद्र कुशवाहा सीधे नीतीश कुमार की झोली से छीनेंगे, यह एक बात है। तो उपेंद्र कुशवाहा भी तेजस्वी यादव के रुख को लेकर परेशान जरूर होंगे, और उन्हें लग रहा होगा कि कहाँ कहीं हम फंस तो नहीं गए। देखिए यह तो संभव कतई नहीं है कि 2020 में उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में बिहार में मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं, क्योंकि महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, तेजस्वी यादव उसके उम्मीदवार पहले से घोषित हैं, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को यह त्याग कर ही आगे सोचना पड़ेगा, तभी कोई बात बनेगी। तो मतलब क्या ये माना जाए कि क्या ये राजनीतिक ईगो के लिए ये टसन हो रहा है? राजनीतिक ईगो में बड़ा चेहरा कौन? देखिए उपेंद्र कुशवाहा भी ईगो वाले आदमी हैं, और तेजस्वी यादव तो लालू यादव के बेटे हैं ही, हाँ तो लालू यादव के बेटे हैं, तो उनको लगता है कि भाई सबसे बड़े तो हम ही हैं, तो ये ईगो तो साफ साफ है, लेकिन यह ईगो यदि महागठबंधन के भीतर समय रहते नहीं सलता, नहीं निपटा, बात नहीं बनी, तो नुकसान होगा और फायदा एनडीए को होगा। अब दूसरी बात भी देखिए, आपसे हमारी बात हो रही थी कि सीटों को लेकर रालोसपा पांच सीटें जो हम लोग पहले कह रहे थे काराकाट, उजियारपुर, मोतिहारी और इसके अलावा सीतामढ़ी, जमुई, तो जमुई की सीट पर वो भूदेव चौधरी को लाना चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा, सीतामढ़ी में उनके राम कुमार शर्मा सिटिंग हैं, काराकाट में खुद लड़ना है उपेंद्र कुशवाहा को, उजियारपुर में किसी हेलीकॉप्टर उम्मीदवार की बात हो रही है, मतलब कोई उतारा जाएगा,
मोतिहारी में माधव आनंद की बात हुई, माधव आनंद ने खुद को अपने उम्मीदवार घोषित कर लिया है, घोषित कर दिया है। लेकिन मोतिहारी का रगड़ा झगड़ा बहुत तेज फंसा हुआ है और इस मोतिहारी के रगड़े झगड़े ने जन आकांक्षा रैली के दिन मंच पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। एक महागठबंधन के एक बड़े नेता को गले में खराश होने के बहाने बोलने से रोक दिया गया, तो यह बात भी फंसी हुई है। मोतिहारी सीट एक ऐसी सीट है जहां सभी चुनाव लड़ने को उतावले हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह उस सीट को छोड़ना नहीं चाहते हैं कांग्रेस के लिए, वे अपने परिवार के किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा माधव आनंद के लिए फील्डिंग कर रहे हैं, माधव आनंद रहने वाले मधुबनी के हैं, ठीक है भूमिहार जाति के हैं लेकिन रहने वाले मधुबनी के हैं। राजद भी उस सीट को नहीं छोड़ना चाहती है, वहां से वह आलोक मेहता को लड़ना चाहती है। विनोद श्रीवास्तव पहले चुनाव लड़ रहे थे लेकिन विनोद श्रीवास्तव को इस बार विश्राम करने के लिए कह दिया गया है। तो मोतिहारी सीट भी झगड़े की एक बड़ी वजह है और झगड़े की दूसरी बड़ी वजह दरभंगा सीट है। दरभंगा सीट तेजस्वी यादव चाहते हैं कि वहां से मुकेश सहनी को चुनाव लड़ाया जाए, जो बीआईपी पार्टी के संस्थापक हैं और अध्यक्ष हैं और अभी हाल में ही महागठबंधन में शामिल हुए हैं। पर वहां कांग्रेस का कहना है कि मुझे एक मैथिल ब्राह्मण को चुनाव लड़ाना है और यदि दरभंगा में हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे तो कहां लड़ाएंगे, तो ये एक बड़ा सवाल भी है। तो महागठबंधन का तनाव बढ़ता जा रहा है और बहुत समय नहीं बच गया है। अगले महीने को 1 से 6 मार्च के बीच चुनाव की तारीखें घोषित होंगी और एनडीए में भी 13 तारीख के बाद जब बजट सत्र समाप्त हो जाएगा लोकसभा का, वहां भी एक्सरसाइजेस शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है कि महागठबंधन का झगड़ा कैसे निपटता है, तो यह देखने की बात होगी। लेकिन जैसे वो महागठबंधन ने कहा है कि उनके उम्मीदवार तब घोषित होंगे जब एनडीए घोषित कर देगी, लेकिन अगर एनडीए ने उसे बिल्कुल लास्ट टाइम में खेला तो उसके बाद ये ऊहापोह की स्थिति जो अभी से चली आ रही है सुलटेगी कैसे, ये तो पूरा मामला फंस जाएगा। दोनों एक दूसरे के पीछे जासूस लगाए होंगे, यही तो होता है। और देखिएगा, चुनाव के नामांकन भरे जाने की आखिरी तारीख तक यह चलता रहेगा, टिकट किसे। अनाउंसमेंट तो देखिए अभी होगा नहीं इससे, लेकिन एक फायदा तो होगा कि ये उठा पटक करने वाले जो लोग होंगे, जो इधर छोड़ के उधर जाने वाले होंगे, उसमें उनको दिक्कत आने वाली है जब लास्ट डे में अनाउंसमेंट। नहीं देखिए, क्या है कि कोई हफ्ते 10 दिन पहले या बिल्कुल करीब 90% बात स्पष्ट हो जाती है कि टिकट किसे मिलने जा रहा है। आप नेताओं के बॉडी लैंग्वेज से वो कितना आपको भाव दे रहे हैं, कितना आपको दूर रख रहे हैं, कितने आपके कॉल्स को रिसीव किया जा रहा है, कितने कॉल्स को नहीं रिसीव किया जा रहा है। अभी आप देखिए ना, कांग्रेस में जनकांक्षा रैली हुई ना, जिन लोगों ने परफॉर्म नहीं किया और जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए होंगे उनके फ़ोन अब अखिलेश प्रसाद सिंह नहीं उठाएंगे, मदन मोहन झा नहीं उठाएंगे, क्योंकि उन्हें तो चुनाव के लिए तैयारी करनी है ना। बकैती करने वाले नेताओं को साथ लेकर चलना नहीं है ना, और बकैती करने वाले नेताओं को आप 1% 2% लिप दे देंगे, चुनाव मैदान में जब आप ग्राउंड जीरो पर जाएंगे तो असली परीक्षा तो वहाँ होगी। तो इसलिए ये सब, लेकिन महागठबंधन में तनाव बढ़ता दिख रहा है इंद्रमोहन, यह बात सही है। और महागठबंधन की पंचायत कौन करेगा, क्योंकि राहुल गांधी तो पंचायत करने के लिए नहीं बैठे हैं। उपेंद्र कुशवाहा 2 बार लालू यादव से मिल चुके हैं और जेल में जो रिम्स है अभी जो बना हुआ है वहाँ सैटरडे को 3 लोग ही मिल सकते हैं, वहाँ से कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं हो सकती है, वहाँ से कोई टेली कॉन्फ्रेंसिंग नहीं हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में पंचायत मतलब प्रमुख कौन बनेगा, कौन निर्णय करेगा कि नहीं आपको इसी बात पर स्टैंड करना है, इससे अधिक नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा तेजस्वी यादव को मानने को तैयार नहीं है और तेजस्वी यादव उपेंद्र कुशवाहा को मानने को तैयार नहीं है। क्या इन हालातों में तेजस्वी को ही अपना हाथ नीचे करना होगा, और भले ही वो नेशनल लेवल पे ऊपर की पकड़ रखे नहीं, लेकिन किसके हाथ नीचे, बिहार में किसके हाथ नीचे होंगे, किस तेजस्वी कहेंगे हम क्यों करें, यदि हमारे वोट तो बैंक आप दूध में अगर चावल ही ना हो तो खीर कैसे पकेगी। नहीं, चावल और खीर तो बनाने की कोशिश की जाएगी। अमर पटेल अब उस भूमिका में हमको आते दिख रहे हैं, तो अमर पटेल के दरबार में दरबार लगे सजेगा, वहीं से कोई रास्ता निकलेगा। तो आज के लिए चलिए, ये थी हमारी पूरी डिस्कशन। महागठबंधन में अभी पेज फंसा हुआ है, अब देखते हैं आने वाले दिनों में इस पेज से छुटकारा कैसे पाते हैं महागठबंधन के घटक दल। ये पूरा डिस्कशन हमारा कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव सिटी।